मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मेरे भेद देखोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। यह भी एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक राजा का राज्य था, तो अलग अलग राज्यों का नियम होता है, जैसे अलग अलग देश का नियम होता है ऐसे ऐसे अलग राज्य का नियम होता है। तो राजा का नियम था, राज्य का नियम था, प्रजा ने बना रखा था कि राजा को एक साल तक रखेंगे और उसके बाद उसको बदल देंगे, दूसरा राजा लाएंगे। तो एक साल तक के ये राजा वहाँ राज्य करते थे, और जब एक साल पूरा हो जाता था, नदी इस पार थी, जंगल उस पार था, तो नदी के उस पार जंगल में राजा लोगों को प्रजा ले जाती थी, छोड़ करके चली जाती थी। अब जंगल में कौन रहता? जंगली जानवर, हिंसक जानवर, तो वो राजा लोगों को खा जाते थे। बहुत सारे राजाओं को जंगल के जानवर खा गए। तो एक राजा आया, तो थोड़ी अकल वाला था, बुद्धिमान था, बाकी तो बस यही थे कि वह राजा बनना है तो एक साल के बाद मरना है, बेमौत मरना है, जंगल में जाना है। लेकिन आदमी मान सम्मान के लिए, धन के लिए, शरीर के भोग के लिए, जानते हुए भी आप ये समझो कि वो काम कर बैठता है, तो राजा बन जाते थे। एक साल ऐश करेंगे, देखा जाएगा फिर। लेकिन वो थोड़ा होशियार समझदार था, और वो संतों के पास, महात्माओं के पास आता जाता था, तो पूछा उसने कि गुरु जी, ऐसा कोई तरीका बताइए कि हम गद्दी से न हटें, इसी तरह से हमारी व्यवस्था पूरी जिंदगी तक चलती रहे। तब उन्होंने कहा, भाई जो नियम है उस नियम के खिलाफ तो काम नहीं हो सकता है, नियम तो यही रहेगा, लेकिन मैं तुमको तरीका बताता हूँ। तो तरीका बता दिया राजा को। राजा लौट करके आया महात्मा जी के आश्रम से, और प्रजा को बुलाया, मंत्री को बुलाया, और प्रजा से कहा कि ये बताओ कि तुम लोग मेरा कहना मानोगे। बोला एक साल तक। प्रजा बोली एक साल तक, जैसे 366वां दिन लगेगा आपको नदी के उस पार जंगल में छोड़ देंगे नियम के अनुसार, फिर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। राजा ने कहा तब तक तो बहुत काम हो जाएगा। बुलाया मंत्रियों को और नजदीक आओ। आए मंत्री, बोले ले जाओ प्रजा को, और नदी के उस पार जितना जंगल है सब काट दो। अब नदी के उस पार जंगल कट गया। देखो रे, देखो अच्छी जगह, कोई ऊंची जगह हो वहाँ पर राजमहल बनवा दो, इसी तरह का कल कारखाने जैसे यहाँ लगे हैं लगवा दो, दुकानें खोलवा दो, और मंदिर पूजा घर सत्संग स्थल जो जैसा यहाँ बना है ऐसे ही बनवा दो, और कुछ प्रजा को ले जा करके और वहाँ पर बसा दो। इसी तरह से सब जैसे यह राज्य है इसी तरह का एक राज्य कायम कर दो, 6 महीने में पूरी तैयारी कर लो। मंत्री लोग चल पड़े। प्रजा को हुक्म दिया राजा ने कि जाओ
राज्य तैयार कर दो इसी तरह का। अब उसी तरह का राज्य प्रजा ने तैयार कर दिया और प्रजा वहाँ रहने लग गई और इसी तरह से सारा काम वहाँ होने लग गया राज्य जैसा। और जब एक साल पूरा हुआ तो नियम के अनुसार समय पूरा होते ही प्रजा ले जा करके और नदी के उस पार जंगल में राजा को जब छोड़ा तो राजा गया आराम से राजमहल में रहने लग गया। और इसी तरह की सुख सुविधा जैसे यहाँ थी ऐसे वहाँ भी उसको मिल गई और जब तक जिंदा रहा तब तक आराम से रहा। ऐसे ही आपको अपना स्थान वहाँ बनाना चाहिए, अभी से बनाना चाहिए। तो ईंट पत्थर यहाँ का जब जाना नहीं है, यहाँ के कारीगर जाने नहीं हैं, तो कैसे महल बनाओगे? वहाँ तो महल बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ तो तमाम महल बने हुए हैं और तमाम वहाँ पर साधन सुविधा प्रकृति ने दे रखी है। जैसे आप यहाँ घर बनाते हो तो रहते हो, बहुत से जगहों पर शहरों में चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, घर बने बनाए मिल जाएंगे। कल कारखाने में काम करने लिए जाते हो, घर बना बनाया मिल जाता है और भोजन भंडारा वहाँ चलता है, वहाँ खाओ, यहाँ बनाना पड़ता है, तो वहाँ की ऐसी व्यवस्था है। तो इस शरीर के रहते रहते ही आप वहाँ का कुछ कर सकते हो। शरीर का समय निश्चित है, ये दिन और रात जो आते हैं ये आपकी उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। सांसों की पूंजी जो खर्च करने के लिए मिली है, ये जैसे चूहे काट के ख़त्म करते हैं, ऐसे ये दिन रात सांसों की पूंजी को आपके काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। इसलिए जब तक हाथ पैर सही है, जब तक शरीर आपका चलता है, तब तक आप वहाँ के लिए स्थान बना लो, जिससे शरीर छूटने के बाद आपको नरकों में न जाना पड़े, चौरासी में न जाना पड़े, आपको फिर इधर कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद न होना पड़े। यानी आप समझो सैकड़ों साल के लिए ऐसे पेड़ बना करके एक जगह पर आपको खड़ा कर दिया, खड़ा न होना पड़े। आप इसी तरह से यानी जैसे यहाँ रहते हो और आप आराम महसूस करते हो, ऐसे वहाँ पहुँच जाओ। तो प्रेमियों, देखो ये मनुष्य शरीर है, किराए के मकान की तरह से है, भगवान के भजन के लिए उसने दिया है और ये कहा है कि इसको साफ सुथरा रखना, इसके अंदर कोई गंदी चीज़ मत डालना, किसी भी पशु और पक्षी का मुर्दा मांस मत डालना कि जिससे ये मंदिर अपवित्र न हो जाए। इसको साफ सुथरा रखना और इस शरीर की हिफाजत करना, रोटी खिला करके, कपड़ा पहना करके और छाया में रख करके इसको सुरक्षित रखना, ये रोगी ना होने पावे, इसलिए संयम और नियम का पालन करना और इससे अपना काम कर लेना। अपना काम क्या है कि जो काम आदमी के काम आवे, जो काम करे उसका फायदा उसको मिले, वो है अपना काम। और पराया काम क्या है जो दूसरे के लिए किया जाता है। तो आप इस समय पर अपना काम कम कर पा रहे हो, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, ससुराल वालों के लिए, मम्मा के घर के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए ज़्यादा करते हो। इसी तरह से औरतें भी अपना काम नहीं करती हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, दोस्तों के लिए, मतलब यह है कि सहेलियों के लिए ज़्यादा ध्यान देती हैं। अपना काम क्या है कि शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को जगाना, ये जो सोई हुई पड़ी हुई है ये जग जाए और जग करके इसको अपना घर याद आ जाए, अपने पिता परमेश्वर याद आ जाए और ये उधर की तरफ चल पड़े। तो अशिला काम यह है, और अशिला काम न करके आप यानी समझो कि माया के पीछे दौड़ रहे, माया भी नहीं मिल रही, माया की छाया में फंसे हुए हो, तो दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, और इसी में जिंदगी खत्म होती चली जा रही है। इसलिए इसको ठीक ठाक रख करके और इस जीवात्मा को अपने मालिक तक पहुंचा दो कि जिससे जन्मने और मरने की पीड़ा जो बहुत भयंकर होती है, दर्द होता है। देखो जन्मने की भी पीड़ा का अनुभव बच्चा नहीं बता पाता है, और मरते समय भी जवान टुटली हो जाती है,
उस समय भी कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन आप ये समझो कि प्रसव पीड़ा जो होती है वो बहुत तेज होती है। तो प्रसव पीड़ा का वर्णन तक तो ये औरतें कर सकती हैं, लेकिन मौत की पीड़ा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तो मौत के समय बहुत पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा मौत के समय की और जन्मने के समय की आपको झेलना न पड़े। इसी जन्म में आप अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ, जहां से यहां भेजे गए हो, क्योंकि ये घर और ये जमीन जायदाद जैसा मैंने बताया, बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ये कुछ भी आपकी नहीं है, कोई काम आने वाली नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। सब लोग गए, जो छोड़ करके चले गए, आप कैसे रहोगे? तो इस चीज़ पर आप ध्यान दो, इस चीज़ को आप समझो। तो प्रेमियों देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर। जब से देखो मांसाहार बढ़ा और शराब और ये गांजा अफीम और नशे की गोलियां लोग खाने लगे, तब से अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हो गया। अपराधी शरीर हो गया, अपराधी घर हो गया, अपराधी जाति समाज हो गया, अपराधी आपके समय राजनीति हो गई, अपराधी दफ्तर हो गए, यानी अपराध बहुत बढ़ गया। तो ये अपराध और भ्रष्टाचार की ये जननी है, तो इसको दूर करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हो, जितने भी अच्छे लोग हो देश के, जितने भी धार्मिक लोग हो देश में, आज के दिन आप लोगों को इस बात का विचार करना है, इसका संकल्प बनाना है कि भ्रष्टाचार और अपराध को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सब के लिए हानिकारक है, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो ये समझता है कि अपराध करके हम खुशहाल हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, तो एक न एक दिन उसको भी यानी अपार दुख का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है, जैसा कि पीछे के इतिहास बता रहे, तवारीख बता रही है। तो उनको देख करके उनको भी ज्ञान करना चाहिए, तो उससे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख शांति लाने के लिए यानी ये जो जड़ है उसी को क्यों न ख़त्म कर दो। जड़ को ही काट दो तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ गिर जाएगा। तो ये जो शाखा बढ़ रही है अन्य अपराध और भ्रष्टाचार की, ये मांस शराब और ये जो नशे की चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, इसी को क्यों न ख़त्म कर दिया जाए। तो अब आप ये समझो कि अगर आप लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दो, लोगों के अंदर बदलाव ला दो, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कोई बंद करे न करे, उसको अगल बगल वाले को देखना पड़ता है, जिसके पावर में है, अधिकार में है, अगल बगल वाले को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाएं। लेकिन कुछ हिम्मत वाले ऐसे भी होते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, और अच्छे काम के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो उनकी देखो जीत होती है। आप देखो अभी एक उदाहरण आपके सामने है, लोग कह रहे थे हार गए हार गए हार गए हार गए, लेकिन जीत गया वो। क्या जीता? दिल जीता था उसने, उन्होंने दिल जीता था, शराब बंद करके दिल जीता था। किसका दिल जीता था? जो शराब के नशे से परेशान औरतें थीं, आदमी थे, सभ्य लोग, सज्जन लोग जो थे, अन्य जो परेशान थे, उनका दिल जीता था, उनका दुआ आशीर्वाद लिया था। देखो उनकी विजय हो गई, और फिर वो आ गए। लोग कहते थे देखो ये तो चले जाएंगे इसी से, क्योंकि इनकी संख्या पीने वालों की बहुत बढ़ गई, घर घर किसी ने खुलवा दिया, ताड़ी फेरी कर दिया, चढ़ करके जाओ तोड़ के लाओ पियो, नशे की आदत डाल दी कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी बचाने के लिए लोगों का आनी आदत खराब किया। तो लोग कहते थे कि ये तो अब दोबारा आएंगे नहीं इसी वजह से, लेकिन हिम्मत किया, अच्छे का साथ सब लोग देते हैं, आदमी न दे तो कुदरत साथ देती है। इसी तरह से यानी समझो कि कुदरत लोगों के दिल दिमाग बुद्धि अच्छाई की तरफ यानी मोड़ देती है। तो देखो
या तो हिम्मत होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो आप कम नहीं हो इस समय। धार्मिक लोग बहुत हो, सत्संगी बहुत हो, प्रेमी बहुत हो, आप समझाओ लोगों। बहुत से लोग बदल गए, तमाम अपराधी लोग सुधर गए। गुरु महाराज के पास एक से एक अपराधी आते थे और कहते थे महाराज छूटेगा ही नहीं, और उन्होंने दया किया, छूट गया। एक से एक शराबी आए, एक से एक गंजेड़ी आए, एक से एक आप समझो बांखोर आए, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई और छूट गया। आते जाते रहे, आते जाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, तो ये मन बदल जाता है। सुनते रहने से, समझते रहने से, यानी कोई समझाता रहे, बैठता रहे, उठता रहे, तो लोग बदल जाते हैं। इसी में अभी खोजोगे मिल जाएंगे आपको। आप मान लो कोई पियक्कड़ हो, अभी पीते हो, पहली बार चले आए हो, किसी के कहने में, दबाव में, या ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं सुन लें, आप अगर खोजोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि दर्जनों बोतल कंपनी की लेबल ये बता देंगे, रटे हुए हैं, इनको रट गया है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, उस कंपनी का है, लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सती भैया तो अभी तर नहीं, आप समझो औरत कितनी प्यारी होती है, आप समझो जीवन भर का अनुसार निभाने का संकल्प लेता है आदमी, लेकिन शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अब यह तन नाही, समझा। उन्होंने संकल्प बना लिया तो औरत तक का त्याग कर दिया। और ये क्या चीज है, यह तो जैसे शरीर की मैल होती है, यानी जैसे शरीर के ऊपर से हाथ रगड़ दो मैल ऐसे निकल जाए, ये चीजें तो जो बुरी आदतें हैं, ये तो मैल की तरह से हैं। अरे खाल खिंचवा दिया लोगों ने, जब संकल्प बना लिया, आप समझो टोरेज की खाल खींच ली गई थी, आप ये समझो कि पलटू ने जब संकल्प बनाया कि झुके गए नहीं और हम अपने काम में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक काम में लगे रहेंगे, तो लोगों ने उनको जिंदा जला दिया, लेकिन कहीं डगमगाए तो आप ये समझो मन में जब बात आ जाती है अच्छे काम के लिए, संकल्प बन जाता है। संकल्प जब बनाया देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर अशफाकउल्लाह ने, तब आप ये समझो कि देश आज़ाद हो गया। मिला क्या उसके बदले संकल्प के, फांसी का फंदा, लेकिन उफ बोले कुछ नहीं, धर्म से नहीं डिगे, यहाँ तक चुनवा दिया था दीवार में और एक ईंट रखने को था, और बोले अब भी बदल जाओ, धर्म को चेंज कर दो, बदल दो, सिद्धांत को छोड़ दो अपने, लेकिन संकल्प बन गया तो कुछ नहीं, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो संकल्प जब आप बनवा ले जाओगे, लोग बना लेंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का शराब छूट गया, बहुत से लोगों की मछली छूट गई, बहुत से लोगों का अनिमांस छूट गया, तो आपका भी छूट जाएगा। जो मन इधर उधर किसी का हो रहा है कि दबाव में तो हम आ गए, पकड़ के तो ये ले आए, घर वालों की बात कैसे न माने, रिश्तेदार की बात कैसे न माने, चलो यहाँ सुन लेते हैं, वहाँ चलेंगे, फिर पीने लगेंगे, फिर खाने लगेंगे, तो आप संकल्प ही बना लो कि अभी तक जो पिया खाया पिया खाया, अब नहीं, सती भेंट अब बेहतर नहीं। संकल्प अगर आपका बन जाएगा तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आपको बता रहा था मनुष्य का जो भोजन है वो जड़ वस्तु है, और ये चेतन है, चेतन एक जगह से दूसरी जगह जो आते जाते रहते हैं, ये चेतन है। तो मनुष्य चेतन है, जड़ खाने का अधिकारी, धान गेहूं चना ज्वार बाजरा ये जड़ है, एक जगह से दूसरी जगह जब तक न ले जाओ पौधा उखाड़ के तब तक जा नहीं सकता है, तो इसको खाने का अधिकारी है। इसको खाओगे बुद्धि सही रहेगी, फल खाओगे, फल फूल खाते हैं, और देखो ये गाय हैं, ये बकरी है, ये भैंस हैं, ये सब दूध देती हैं, किसके लिए देती हैं, दूसरों के लिए देती हैं, मनुष्यों के लिए ये बनाई गई हैं, दूध पियो, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, आप 2 किलो भी हजम कर सको रोज खाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मांस अबाज से मत खाना, मछली अबाज से मत खाना, अंडा मत खाना, बहुत गंदी चीज है। आप ये समझो कि ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, और ख़राब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का ख़राब खून और उनके टट्टी पेशाब का
यानी खराब हिस्सा यानी मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है उसको अंडा खाने वाले उसको पी लो, छी 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 बोलेंगे, पिएगा कोई नहीं पिएंगे। और अंडा कहते हैं चिकना रहता है, सफ़ेद रहता है, तो ये क्या है, शाकाहारी है, कहते ये शाकाहारी है। बहुत से अज्ञानी जो डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक अज्ञानी होते हैं, कहते अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, ताकत छीड़ हो जाती है, खून बेमेल हो जाता है। और जब बेमेल खून हो जाता है तो जैसे कोई पतले पाइप में आप तेजी से हवा भरो तो फट जाता है, पतले पाइप से पानी की तेज धार छोड़ो तो पाइप फटेगा, फूलेगा, जब फूलेगा तो जगह बनाएगा। ऐसे ये नसें जब फूलती हैं, नसों में जब जगह बनती है तो तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, इंजन में आने समझो कि बदलाव आ जाता है। ये शरीर के पुर्जे क्या हैं, इंजन की तरह से हैं, जैसे गाड़ी के इंजन हैं, गाड़ी को चलाता है इंजन, ऐसे ये पुर्जे हैं शरीर को चलाते हैं, तो शरीर ठीक से नहीं रह पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता है। और बुद्धि भी खराब होती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो अन्न के दोष से देखो भीष्म पितामह, जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई थी, आप समझो कि द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे, जब दुर्योधन पापी का अन्न खा रहे थे, तो जानवरों का मांस कोई खाएगा तो बुद्धि सही रहेगी। इसलिए भाई दिल दिमाग और बुद्धि को सही रखने के लिए और समझो ईश्वरवादिता को बनाए रखने के लिए, जो वास्तव में मानव धर्म है, सत्य अहिंसा परोपकार और सेवा, इसको बनाए रखने के लिए आप अब मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब में 1000 बुराई। इसलिए 1000 बुराइयों वाली चीज को मत पीना कि जिससे आपके अंदर बुराइयां ही बुराइयां पैदा हो जाएं, कोरोना रोग की तरह से कीड़े ही कीड़े अंदर पैदा हो जाएं, तो ऐसा काम अब मत करना। अब तौबा कर लो, कान पकड़ लो, आज से छोड़ देना, अभी तक जो गलती किया सो तो किया, अब मत करना। गुरु की दया आपको दिला रही है, गुरु का आदेश आपको दिला रहा है, नहीं तो नामदान देना बड़ा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है, लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया तो पालन करना ही करना है। सबने पालन किया, जितने भी थे गुरु महाराज भी अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किए, उनके भी गुरु आई समझ लो कि अपने गुरु के आदेश का पालन किए, बांटे, कहा था बांटना खूब, गुरु महाराज ने भी कहा दो नामदान, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को दे दो तो आपको मिलेगा, आपसे कोई परहेज नहीं, आप कोई शौचालय नहीं हो, आप सब अपने हो, आत्माएं तो सबकी एक जैसी हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। अब जो आत्मा को नहीं देख पाता है वो अपना पराया देखता है कि ये हमारे हैं, ये पराए हैं, ये हमारे जाति के, हमारे बिरादरी के, ये हमारे भाई भतीजावार हैं, हमारे देश के, हमारे गांव के हैं, उनके अंदर हमारा हमारा अपना अपना रहता है। और जो सबको देखता है, सबकी जीवात्माओं को देखता है, जिसके लिए सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर मालिक के अंश को जो देखता है, वो तो आने समझो उसके सब होते हैं और वो सबका होता है। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको सबको नामदान दूंगा, वो नाम बताऊंगा कि जिस नाम के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कल जो केवल नाम अधारा, सुमे सुमे न रोत नहीं पारा, वो नाम आपको बताऊंगा कि जिसके पाने के बाद मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, तो यह नाम रूपी रत्न आपको मिलेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रत्न तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर जगह गंदी रही, रत्न रखने की जगह अगर गंदी रहे, रत्न रखने की जगह ठीक न रहे, तो रत्न की कोई कीमत नहीं होती है। तो वो अंदर में रखने की जगह साफ होनी चाहिए, सिंहासन साफ होना चाहिए। तो अब आप बुराइयों को आप मत ग्रहण करना, बुराइयों को छोड़ दो। तो एक बार मान लो सफाई हो गई, झाड़ू लग गया, फिर गंदा मत करना आप।
तो नाम रत्न दूंगा आपको, नाम रूपे रत्न, ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा आपको। ये जो नाम बताऊंगा ये हमेशा से चला आ रहा है, ये कोई नया नाम नहीं है, है तो प्रभु का एक ही नाम, एक ही वो है, एक अनिह अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अनामी पुरुष की ही ये सब लीला है, ये सब नाम वहीं से उतरा है। लेकिन अब जैसे जैसे ये उतरता गया उस नाम की आवाज बदलती चली गई, और जहाँ जिस स्थान पर पहुँचा उस स्थान पर आवाज दूसरी मिल गई, तो वो अलग अलग नाम हो गया। जैसे आप देखो रेलगाड़ी चलती है तो जब जमीन पर चलती है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और कोई नीचे तालाब है नदी है उसके पुल के ऊपर जब पहुँचती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। आप देखो गंगा एक है, कहाँ से निकली है, गंगोत्री से, बहुत ऊंचे पहाड़ से, और वहाँ से जब नीचे उतरी तो वो आवाज़ अलग थी, जब पहाड़ी पर नीचे गिरी तो वो आवाज़ अलग रही, और जब उतर करके आपके यहाँ हरिद्वार में आई तब उसकी आवाज़ अलग मिली, और जब वही गंगा मैदान की नदियों में बहने लग गई तो उनकी आवाज़ अलग हो गई, और वही गंगा सागर में जब जाकर मिल जाती हैं तो आवाज़ बदल जाती है। ऐसे ही ये सीधे सीधे शब्द रूप में ये नाम उतरा, और जहाँ जहाँ पर यानी ये जो धनी थे लोग था यानी आपके संजोष लोकों में उस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन जब आप सतलोक पहुँच जाओगे तब ये कही आवाज़ सुनाई पड़ेगी, उस नाम वही नाम सुनाई पड़ेगा। अब ये जरूर है कि आपको जब तक इस बात की जानकारी नहीं है या इतना प्रयास आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो कि एकदम सीधे वहाँ पहुँच जाओ, तब तक इन्हीं नामों को आप जपते रहो, इन्हीं नामों को बोलते रहो, इन्हीं नामों के द्वारा आप वहाँ पहुँच जाओगे। खिंचाव होगा जब एक नाम यानी समझो यहाँ से लोगे तो ऊपर का जो आवाज़ है, जो नामधनी जिनको कहा गया जिनके मुँह से आवाज़ जो निकलती है, जब ये पिंड छूटेगा, ये शरीर छूटेगा यानी पिंडी दसवां द्वार से जब आप आगे बढ़ोगे तो वही नाम आपको खींच लेगा, और जब वहाँ पहुँचोगे तब वो ऊपर वाला नाम खींचेगा, और ऊपर वाला वो ऐसे खींच करके और वहाँ पहुँचा देगा। मन जिनका लग जाता है आप समझो कि फिर हटता नहीं उधर से, इसीलिए इस समय पर क्या होता है थोड़ा सा दे देते हैं फिर खींच लेते हैं, दया ऊपर होता है गुरु के, दे देते हैं फिर खींच लेते हैं, फिर नहीं तो अभी बाल बच्चों को भूल जाए आदमी और ये सब भजन ही करने लग जाएं तो पुलिस वाले डंडा लेकर के अभी घूमने लग जाएंगे कि कोई भजन तो नहीं कर रहा है, बच्चे इनके रो रहे हैं, कौन कमाएगा कौन खिलाएगा, क्यों शादी किया तूने, और देख 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है, अब वो समय नहीं रह गया कि 1 कमाता था 10 खाते थे, तो चल उठ भजन वजन मत करना, सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि इस तरह से न तो नामदान दिया जा सकता है न कोई भजन इस तरह से करेगा 4 घंटे 8 घंटे, करने की अब ज़रूरत भी नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, आप थोड़ा सा ध्यान हटाओ दुनिया की तरफ से और उधर लगाओ काम बन गया, आनंद ले लो मस्ती ले लो चले जाओ फिर लौट जाओ। आप देखो कि काम करते रहते लोग और लय हो जाते हैं तो यहाँ होता रहता है, हाथ चलता रहता है, देखो ध्यान आदमी का कहीं रहता है, सोचता कुछ रहता है, गाड़ी चलाता रहता है, बाइक चलाता रहता है, चलता जाता है, वो भी होता जाता है। तुलाराम एक जो है साधक थे, तो तुलाराम यानी समझो कि अपना काम भी करते थे, व्यापार करते थे और ध्यान में भी मग्न हो जाते थे, तो तौलने लगे तो 1 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे ऐसे तौलते चले गए, ऐसे आटा 9, 10, 11, 12, 13 जब 13 पहुँचे तो बस लीन हो गए, 13 13 13 13 ही सब कुछ है और तौलते चले जा रहे हैं, 13 13 ही बोलने हैं, 13 13 ही बोल रहे हैं, सब 13 ही है, तौल दिए पूरा डलिया खाली हो गई, खाली हो गई तब तक लड़का निकला अंदर से,
का नाश कर दिया आपने तेरह तेरह कहते कहते। आपने हमको गिनती सिखाया और आप ही गिनती भूल गए, तेरह तेरह कह के पूरा डलिया आपने खाली कर दिया। तो वो आदमी जिसको ज़्यादा मिल गया था उसने तो कहा वापस कर लो, इन्होंने कहा वापस नहीं करेंगे, जो दे दिया आप दे दिया वो तो उसी का हो गया, तेरे का हो गया, वो उसका हो गया, तो वो तो लेकर चला गया। लेकिन लड़का लाल आँखें किए हुए बैठा ही रहा। तब जब लड़का बैठा ही रहा, नाराज ही रहा, तब उन्होंने फिर कहा कि आपको जब सबको सौंप दिया, सबका आपका हो गया, तेरे तेरा हो गया, तो अब इसकी भी इच्छा पूरी कर दो। तो फिर भर गया, अब जितना दिया था वो जो देना था वो भी भर गया, पूरा भरा। तो आप ये समझो कि किसकी है ये दुनिया। दुनिया तो सब उस मालिक की बनाई हुई है, देने वाला तो वो है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन वो देता है, लेने वाला चाहिए, लेने वाला पात्र बन जाए है, तो वो तो अभी भर दे। जैसे घड़ा में पानी भरा हुआ है तो गर्म पानी किस लिए भरा है, पिलाने के लिए। अब कोई कटोरी जो उसके सिर पर रखी है घड़े के, वो ये कहे कि हमको घड़ा पानी दे दो, तो कहाँ से मिलेगा, छोटा बन जाएगी, नीचे उतर आएगी, तो घड़ा कटोरी को पानी से भर देगा। ऐसे ही दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ, दीनता जब आ जाती है तो वो दयाल हो जाता है। गरीबी में कहते हैं मुफलिसी जिसको कहते हैं, उसी में भाव भक्ति होती है। पैसे वाले लोग को के भगवान कौन होते हैं, यही लक्ष्मी। आज सब लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजा में लगे हुए हैं, तो आप ये समझो उनको तो बस हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी, उनका मन तो सब कुछ वही है। और जो लक्ष्मी की बढ़ोतरी कर दे, वही गणेश वही शिव वही विष्णु वही देवी वही देवता वही भगवान उनके लिए। तो मोहन नाज नाज का रूपा और पन्नगारिया चरितन रूपा, कहा गया माया और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं रहती, ये सौतन हैं। इसीलिए साधक ने प्रेमी ने कहा कि दीन गरीबी मुझो साईं अपने भगत को रुखी रोटी दे, और सुपड़ी मांगत मैं डरूं रुखी छीन न ले। कभी कभी तो सामने की चुपड़ी रोटी भी मना हो जाता है, बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहता है घी छू नहीं सकते हो, मलाई खा नहीं सकते हो, दूध पी नहीं सकते हो, मेवा मिष्ठान खा नहीं सकते हो, दलिया खाओ, सूप पियो, सब्जी खाओ उबली हुई, तो वो भी छूट जाता है। इसलिए ऐसा काम क्यों किया जाए। तो आप ये समझो ये परमार्थ का जो ये रास्ता है ये क्या है, ये खाने की धार की तरह से है, तलवार पर चलने की तरह से है, लेकिन अब इस समय हर कोई चल नहीं सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों को चलाया पड़ता है, सिखाना पड़ता है, लेकिन चलना तो उसी पर पड़ेगा भाई। रास्ता जब ऐसा ही है कि रस्से के पुल पर ही जाना पड़ेगा, लकड़ी पकड़ करके ही नदी पार करनी पड़ेगी, रस्सी पकड़ करके नदी यानी बांस के ऊपर से लकड़ी के ऊपर पार करना पड़ेगा, तो आदमी जाते ही जाता है। आप लोग शहर के लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन गांव में लोग कैसे पुल बनाते हैं, सरकार जहां पुल नहीं बनाती है नदी के ऊपर कैसे पुल बनाते हैं, इधर लकड़ी गाड़ दिया उधर गाड़ दिया, और उसके बाद ऐसे लकड़ी रख देते हैं उसी के ऊपर बांध देते हैं नदी के ऊपर, और ऊपर रस्सा बांध देते हैं, और ऐसे रस्सा पकड़ करके उसी पर ऐसे चलते चले जाते हैं। तो चलेंगे तो पार उसी पे होंगे, चलने का रास्ता वही है पार होने का। अब आप ये समझो कि पहले ही डरवा दिया जाए किसी को कि लकड़ी पर से चलना पड़ेगा तब वहाँ पहुँच पाओगे तो कोई जाएगा। इसलिए जब पहुँच जाओगे नज़दीक में पहुंच जाओगे घाट पर बैठ जाओगे, तो कैसे भी जब आपको अब मन बन जाएगा कि पार होना है तो पार नहीं होना है, तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति संस्था व सरकार से कोई भी चंदा चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते।
इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।